Okay, so hello and welcome back to Imperfect Mesh. I hope you're okay, you're safe and staying at your home. Fine. So aaj jo hum sikhenge wo hai how to create a 3D garment on a 3D character. Basically kya hai? To how to be a tailor. Ki kaise hum darzi ban sakte hain. Theek hai? In digital world. Theek hai? Okay, fine. So we will use here Marvelous Designer. और ये सॉफ्टवेयर बहुत ही बढ़िया है टू क्रिएट सम काइंड ऑफ 3D गारमेंट्स. तो इस सॉफ्टवेयर पे मैंने एक वीडियो और बनाया था ऑन UI एंड नेविगेशन, वो मैंने चैनल पे दे दिया ऑलरेडी. तो अगर आप चाहते हो कि वो देखना है ताकि आपको जो है इसके UI एंड नेविगेशन के बारे में पता चले, तो आप वो वीडियो देख सकते हो. उसकी चैनल उसका लिंक मैं ऊपर दे दूँगा और वहाँ से आप एक बेसिक आइडिया कर सकते हो कि ये जो सॉफ्टवेयर है इसकी नेविगेशन कैसी होती है. ठीक है, तो आज हम उस लेसन से आगे जाएंगे और आज क्रिएट करेंगे थोड़ा सा स्टाइलाइज डिजाइनिंग क्लोथ्स फॉर आवर 3D कैरेक्टर. अभी कैरेक्टर के लिए आप चाहे अपना कैरेक्टर लाए, चाहे और 3D प्लेटफॉर्म से लाइक मैक्स हो गया, माया हो गया, या फिर मार्वलस का ही अपना एक डिफॉल्ट सा कैरेक्टर्स हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हो एज अ रेफरेंस. ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे कि पता ही है आपको 3D व्यू 2D व्यू. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, फाइल एंड ऐड, एड्स जाके अवतार, और यहाँ मिलेगा आपको 3 फोल्डर्स, फीमेल मेल स्टाइलाइज्ड. लास्ट टाइम जो है हमने वर्क किए थे फीमेल पे, तो आज वर्क करेंगे ऑन स्टाइलाइज्ड. इस पर क्लिक करके है ना ओपन, जस्ट बी सम टाइम. ओके, तो ये आ गया हमारा कैरेक्टर और अभी हम शुरू करने वाले हैं इस पे 3D गारमेंट्स. मिडिल माउस को क्लिक करके ट्रैक करने से ये पैन हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ शुरू करते हैं. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मुझे क्या करना होगा, यहाँ क्लिक करना है पॉलीगन पे. क्लिक करने से आपको मिल जाएगा ये एक पॉइंट, 1 point, 2 point, 3 point, 4th point is here, 5th point, 6th point and 7th point. तो मेरा कुछ पैटर्न इस तरह का है. अभी ये बहुत ही सिंपल लग रहा है मुझे और सिंपल चीज़ मुझे नहीं पसंद, तो कुछ एडवांस करते हैं. उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे एडिट कर्वेचर और एडिट कर्व पॉइंट आप ले सकते हो और इसको हल्के में कुछ रिशेप कर सकते हो. लाइक मुझे इसको चाहिए कुछ इस तरह का, यहाँ चाहिए कुछ इस तरह का, एनीथिंग, इट्स सो सिंपल. यहाँ पे ऐसा, या फिर इसको थोड़ा सा बाहर ही निकाल दे. ओके, तो ये कुछ इस तरह का होगा और इसको ऐसे, फाइन. अभी चाहिए इसका कॉपी, उसके लिए क्या करना होगा, फर्स्ट क्लिक करना है यहाँ पे ट्रांसफॉर्म पैटर्न पे. क्लिक किया, नाउ राइट क्लिक ऑन दिस वन एंड गो फॉर सिमेट्रिक पैटर्न. तो ये आ गया कॉपी. अभी इट्स आवर फ्रंट साइड, इट्स आल्सो अ फ्रंट साइड, बट ये जो पोर्शन है वो बैक साइड के लिए है. तो ये जो है इसको करना है फ्लिप, ताकि ये फ्रंट साइड जाए बैक साइड पे. तो इसे करना है मुझे फ्लिप, तो राइट क्लिक हियर एंड गो फॉर फ्लिप हॉरिजॉन्टल, दैट्स इट, डन. यहाँ तक हमने कर लिया है. अभी ये फ्लिप हुआ है वो 3D व्यू पे हुआ है, 2D पे नहीं हुआ है. 2D पे वो वैसा ही है जैसे वो था. ठीक है, ओके. तो अभी इसको हम कर लेंगे मूव और विद गिज्मो हम इसको कर लेंगे बैक साइड पे मूव. चलिए ये बन गया है. अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे करना है यहाँ पे स्टिचिंग. ओके, टू स्टिच जस्ट क्लिक करना है यहाँ पे सेगमेंट सीविंग और इस पॉइंट को इस पॉइंट से आप जोड़ दो. स्टिच हो गया, सेम इस पॉइंट को इस पॉइंट से, और ये जो है
ये पोर्शन ओपन रहेगा और ये शोल्डर नहीं हुआ। अभी देखिए यहाँ पे ये क्रॉस हो गया है, दैट मीन्स कि ये सही नहीं है, तो इसको सही से करना होगा। इस पर क्लिक करते पहले और फिर इस पर क्लिक करते हैं। अभी ये सेट हुआ है, दैट मीन्स कि ये ओके है। नाउ सिमुलेशंस, ओके तो ये सही से नहीं हुआ है। कंट्रोल जेड क्या करना है, सिंपली इसको करना है सिलेक्ट करके, इसे कर लो थोड़ा सा ऊपर और फिर करो ट्राई। ओके डन, तो ये बन चुका है कुछ इस तरह सा, फाइन। अभी अगर मैं यहाँ पे विंड दूँ, डिस्प्ले एंड एनवायरनमेंट, और यहाँ पे आप दे सकते हो शो विंड कंट्रोलर, तो ये आ गया विंड। इस मशीन को ऑफ करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे रखते हैं इस जगह पे, कुछ इस एंगल पे। सिमुलेशन ऑन और विंड की जो एक्टिवेशन है उसको ऑन कर देते हैं, तो ये विंड अप्लाई हो चुका है, फाइन। विंड के कुछ और प्रॉपर्टीज भी है, लाइक फ्रीक्वेंसी, इसको अगर मैं इंक्रीज कर दूं तो विंड पे थोड़ा सा हलचल हो जाएगा, लाइक 10, एंटर। फाइन, तो अगर आप विंड को ऐसे घुमाओगे तो वो काम करेगा। टर्बुलेंस, इसको थोड़ा सा और इंक्रीज करते हैं, लाइक 60। ओके, तो यहां तक हमने कर लिया है, इतना काफी है। अभी जो है यहाँ पे कपड़े के लिए कुछ क्रीज पड़ रही है यहाँ पे। बात यह है कि अगर आपका क्लॉथ, अच्छा वन सेकंड, यहाँ पे ये थोड़ा सा ठीक नहीं है, इसको ठीक कर लेते हैं पहले। सिमुलेशन ऑन एंड ये जो एरिया है इसको हम कर लेंगे यहाँ पे। ओके, तो कुछ इस तरह का हो चुका है अभी, फाइन। तो अभी जो ये क्रीज, इसको ठीक करना है, तो इसके लिए क्या चाहिए यहाँ पे, मैंने क्लॉथ पे क्लिक किया है तो क्लॉथ की जो प्रॉपर्टीज है वो खुल गया है यहाँ पे। अभी जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे इलास्टिक को बाय डिफॉल्ट ऑफ रखा है, अगर मैं इसको ऑन कर लूँ तो ये कुछ इस तरह से इलास्टिक ऑन हो जाएगा, फाइन। ऑफ करते हैं और यहाँ पे सीम टेपिंग है, इसको अगर मैं ऑन कर दूं तो एक टेप आ जाएगा, लाइक कुछ इस तरह के टेप आ जाएंगी। तो इस टेप को आप कर सकते हो रिसाइज विथ विथ, बाय डिफॉल्ट जब 10 है इसको इंक्रीज कर सकते हैं 20 पे, तो ये हल्के में बड़ा हो चुका है, ठीक है। अभी नीचे आते हैं और नीचे क्या दिखते हैं, सिमुलेशन प्रॉपर्टीज। अगर मैं 20 पे रखा, बाय डिफॉल्ट ये 20 पे है, ये तो उतना अच्छा नहीं आ सकता, उतना अच्छा वर्क नहीं करेगा आपका सिमुलेशन। अगर इसको आप 10 पे रखोगे तो ये और भी बढ़िया काम करेगा। अब देखिए ये क्लॉथ और बढ़िया हो चुका है, डिफरेंस देखा है आपने, ठीक है। तो पार्टिकल्स को आप 10 पे रखिए और नीचे आइए, नीचे आते हैं तो यहाँ पे प्रेशर मींस इस पे थोड़ा सा प्रेशर आ जाएगा इस क्लॉथ पे, और वो मैंने ट्राई किया है, बहुत ही खराब है। लाइक अगर मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लूँ ना तो ये कुछ इस तरह के बलून सा बन जाएगा, जो कि काफ़ी गंदा है। तो इसको मैं रखता हूँ 0 पे,
One second. Zero. Enter. And simulations. तो मैं जब भी प्रेशर यूज करता हूँ तो ये कुछ ऐसा गंदा सा हो जाता है। ओके, तो ये ऐसा है अभी के लिए, ठीक है। नाउ फैब्रिक, फैब्रिक पे आते हैं, फैब्रिक पे आते हैं तो यहाँ पे फैब्रिक पे क्लिक करते हैं और ये फैब्रिक की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो खुल जाएंगे। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे टेक्सचर है, टेक्सचर पे आते हैं, लाइक टेक्सचर, इस पर क्लिक करते हैं और जो टेक्सचर मेरे पास है अभी वो कुछ इस तरह का है, ओपन, और ये अप्लाई हो चुका है। अभी ये बाय डिफॉल्ट सा अप्लाई हो चुका है, बट अगर चाहते हो कि ये पैटर्न छोटा हो या फिर बड़ा हो तो वो भी आप कर सकते हो विथ रिपीट, टेक्सचर रिपीट ऑप्शन है यहाँ पे, टेक्सचर रिपीट ऑप्शन है यहाँ पे, रिपीट पे क्लिक करना है और यूनिफाइड मैप। तो ये आ गया यूनिफाइड मैप, अभी बाय डिफॉल्ट ये 1 पे है, अगर मैं चाहूँ तो इसको 10 कर लूँ, 10 by 10। तो ये पैटर्न छोटा हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप टेक्सचर को अप्लाई कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट वन इज, नीचे आते हैं, नीचे आते हैं, मेटलनेस की जरूरत नहीं है। हाँ, फिजिकल प्रॉपर्टीज, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे काफी सारे प्रॉपर्टी मिल जाएंगे आपको, लाइक सिल्क। तो ये कपड़ा सिल्क जैसा ही बिहेव करेगा। अगर मैं इसको कर दूं वूल, तो ये कपड़ा वूल जैसा ही बिहेव करेगा। अगर मैं इसको कर दूं नायलन, तो ये कपड़ा बन जाएगा नायलन। अगेन गेट बैक टू कस्टम, कस्टम, तो वो जो पहले था वो वैसा ही आ जाएगा। अभी ये विंड है इसलिए तो यहाँ पे ये खुल नहीं पा रहा है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ लाइक फैब्रिक पे क्लिक करते हैं और प्रॉपर्टीज खुल गए यहाँ पे। फिजिकल यहाँ पे मैं करता हूँ सपोज सिल्क, तो ये बन गया सिल्क। अभी टेक्सचर अप्लाई कर लिया है, फिजिकल अप्लाई कर दिया है, और क्या चाहिए हमें, टोपोलॉजी, इस पर क्लिक करते हैं और यह आ गया वायर फ्रेम मोड, सॉरी। हाँ, तो ये आ गया वायर फ्रेम मोड और ये फुल्ली ट्रायंगुलर पे है। शेड मोड, टेक्सचर मोड, थोड़ा सा ग्लॉसी, तो इस तरह के मोड्स यहाँ पे है। हम आते हैं वायरफ्रेम मोड पे, वायरफ्रेम ये रहा। ओके, तो ये आ गया वायरफ्रेम मोड। अभी जो है यहाँ पे ट्राइंगल्स है, मुझे चाहिए क्वाड्स क्योंकि आई लव क्वाड्स, मुझे ट्राइंगल्स पसंद नहीं है। सो टू मेक इट क्वाड जस्ट राइट क्लिक एंड क्वाड ट्राइंगुलेट कर लेंगे तो ये कुछ इस तरह से क्वार्ट्स पे कन्वर्ट हो जाएगा। जस्ट सम टाइम। ओके, तो ये क्वार्ट्स पे आ चुका है बट ये प्रॉपर नहीं है, तो मुझे क्या करना होगा, इसको सही करना है। उसके लिए राइट क्लिक एंड गो फॉर रीमेशिंग।
ओके तो ये प्रॉपरली आ चुका है यहाँ पे. अभी मैं कर लेता हूँ सिमुलेशंस और इसको देख लेते हैं कि कैसा वर्क करता है. ओके तो ये हो गया सिमुलेशंस. अभी हम कर लेंगे इसको ऑन टेक्सचर मोड. ठीक है फाइन तो इस पर क्लिक करते हैं और ये आ गया मेरा ड्रेस. नाउ टू एनिमेट. अगर मुझे इस एनिमेशन को रिकॉर्ड करना है तो कहाँ से करना है? अच्छा बिफोर दैट हम चेक कर लेते हैं यूवी को. तो यहाँ पे है यूवी एडिटर. ओके तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है मुझे. सेलेक्ट दैट वन, राइट क्लिक एंड गो फॉर फिट यूवी 201 और ये फिट हो चुका है. ओके और ये यूवी के अंदर फिट हो चुका है. फाइन तो यूवी हो चुका है. अभी आएंगे एनिमेशन पे और ये एनिमेशन हमने खोल लिया है. अभी जो है सिमुलेशन को ऑन करना है और यहाँ पे करना है रिकॉर्ड को ऑन. तो ये कर लेगा रिकॉर्डिंग, आपका जो एनिमेशन है वो रिकॉर्डिंग कर लेगा. ओके फाइन तो मैंने रिकॉर्डिंग किया है मोर देन 120. तो अब हम इसको प्ले करेंगे. प्ले तो ये मेरा एनिमेशन चल रहा है. सो इट्स वेरी इजी टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ गारमेंट्स एंड टू क्रिएट यूवीज एंड टू क्रिएट पैटर्न्स ऑन दैट गारमेंट एंड ऑल्सो टू एनिमेट. फाइन ओके अभी सपोज मुझे कुछ और डिजाइन बनाने हैं. सपोज हम आते हैं फिर से सिमुलेशन पे और इसे करते हैं सेलेक्ट एंड डिलीट. ओके अभी सपोज मुझे बनाना है सम काइंड ऑफ स्कर्ट. तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे पॉलीगन या फिर रेक्टेंगल लेंगे और यहाँ पे कुछ इस तरह के दे देंगे. ये टेक्सचर मोड ऑन है अभी तक, इसको ऑफ कर लेंगे. इस पे क्लिक करेंगे तो ये टेक्सचर ऑफ हो जाएगा. जो टेक्सचर था वो अनलिंक हो चुका है. ठीक है अभी जो है ये फैब्रिक वन, इसका कलर कुछ ब्लैक कलर का होगा. तो यहाँ पे ब्लैक कलर अप्लाई कर देते हैं. ब्लैक ओके ओके अभी इसका मुझे चाहिए एक कॉपी, डुप्लीकेट वर्जन. तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए राइट क्लिक एंड गो फॉर सिमेट्री पैटर्न और ये आ गया बैक पोर्शन के लिए. फाइन इसे कर लेंगे फ्लिप, बट बाद में कर सकते हैं. तो नेक्स्ट अगेन रेक्टेंगल और ये कुछ इस तरह का मैंने लिया है और फिर एडिट कर्व पॉइंट्स से ये जो दो पॉइंट्स हैं इनको नीचे करते हैं. कुछ यहाँ तक. ओके नाउ अगेन डुप्लीकेट दिस वन हियर. फॉर दैट ट्रांसफॉर्म कंट्रोल डी और ये यहाँ पे आ चुका है. और अभी इन दोनों को मुझे करना है फ्लिप. तो ये दो चीज राइट क्लिक एंड फ्लिप हॉरिजॉन्टल. दिस वन आल्सो राइट क्लिक फ्लिप हॉरिजॉन्टल.
Okay, now this one and that one. तो ये आ गया बैक पोर्शन. अभी हम कर लेंगे स्टिच इसको. तो इसके लिए क्या करना होगा, अगेन सेगमेंट सीविंग, इसको इससे हमने कर लिया है, और इस पार्ट को इस पार्ट से कर दिया है, इस पार्ट को भी इस पार्ट से कर दिया है, इस पार्ट को भी इस पार्ट से कर दिया है, और इस पार्ट को भी इस पार्ट से कर दिया है. वन सेकेंड, ये यहाँ पे नहीं हुआ था. तो वन सेकेंड, ये यहाँ पे गड़बड़ हो गया था. इसको इससे नहीं हुआ, इसको इससे, और इसको इससे हो गया. नाउ स्टिच सिमुलेशंस. तो ये कुछ इस तरह से अप्लाई हो चुका है. इसको ऊपर कर लेंगे. ओके, नाउ हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे इलास्टिक को. इलास्टिक ऑन. और ये जो ढीला था यहाँ पे, ये जुड़ चुका है, फिक्स हो चुका है. फाइन, तो ये हो चुका है. अभी इस पार्ट के लिए क्या करना है, ऐड फैब्रिक टू. इसको करते हैं डिलीट. फैब्रिक टू जो है ये वाइट कलर का पॉलीगन लेते हैं, और इसको यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पे ये एंगल, यहाँ पे आएंगे तो होल्ड शिफ्ट, और ये 90 पे स्नैप होगा 90 पे, और यहाँ पे आते हैं जॉइंट. नाउ यहाँ पे आते हैं एडिट कर्व पॉइंट पे, और इस पॉइंट को लेके हम थोड़ा सा आगे कर ले. इसको भी यहाँ पे रखते हैं, शोल्डर को हल्के से ऐसे, और ओके, ये यहाँ पे यू शेप होगा, और ओके फाइन. तो ये कुछ इस तरह से आया है. अभी इसको हम कर देंगे कंट्रोल डी फ्लिप, ठीक है, और इसे स्टिच. इस पॉइंट को, इस लाइन को, इस लाइन से हमने कर दिया स्टिच. ओके, नाउ कर लेंगे सिलेक्शन. अच्छा, इसको हम कर लेंगे कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी. तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी करने से ये पैटर्न यहाँ पे आ जाएगा. नाउ फिर से राइट क्लिक एंड फ्लिप हॉरिजॉन्टल, और इसे हम कर लेंगे पीछे की तरफ. Thank you.
ओके नाउ जो मुझे करना होगा वो है स्टिचिंग यहाँ पे. तो अगेन सेगमेंट्स सीविंग, इसको इस पार्ट से नाउ सिमुलेशंस. ओके तो ये अगेन कुछ खराब सा हुआ है. कंट्रोल जेड सिलेक्शन, गिज़्मो को थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे और अप्लाई कर देंगे. तो ये कुछ इस तरह से डन. ओके सो ये था मेरा लेसन आज के लिए. चलिए मिलते हैं किसी और दिन किसी और लेसन के साथ. एंड आई होप दिस लेसन वॉज हेल्पफुल फॉर यू. इफ इट इज देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब प्लीज. I need your support. Thank you. Bye-bye.